शुक्रवार को यूपी की सियासी फलक पर एक नई पार्टी की दस्तक हुई है। जी हां, निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपने राजनैतिक जीवन के 25 साल पूरा होने के बाद लखनऊ के रमाबाई मैदान में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया। साथ ही आगे की राजनीति अपनी पार्टी बनाकर करने की बात भी कही। राजा ने कहा कि पार्टी के नाम के लिए चुनाव आयोग में आवेदन कर दिया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लखनऊ से राजा भैया की ललकार, नई पारी के लिए रघुराज है तैयार, SC ST एक्ट संशोधन के खिलाफ है राजा, सवर्णों को लेकर साथ बजाएंगे विरोधियों का बाजा। निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया नए तेवर और नए सियासी अंदाज के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर चुके हैं। राजा अब निर्दलीय नहीं बल्कि दल की राजनीति करेंगे। सियासी जीवन को सेवा नीति का नाम देकर राजा ने ऐलान किया था कि अपने राजनीतिक जीवन के 25 साल पूरे होने के मौके पर वो 30 नवंबर को लखनऊ में रैली करेंगे। उसी के तहत राजा ने लखनऊ में अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया। कुंडा के अलावा आसपास के जिलों से भी राजा भैया के समर्थक रमाबाई मैदान पहुंचे और राजा को यह एहसास कराया कि इस सियासी सफर में वो राजा के साथ है। वहीं इस रैली में राजा ने अपना राजनीतिक एजेंडा भी साफ कर दिया। राजा ने कहा कि वो दलितों और गैर दलितों के बीच की खाई को पाटना चाहते हैं। तो वहीं राजा ने साफ किया कि उनके विरोधी उन्हें दलित विरोधी बता रहे हैं, जो सरासर गलत है, बल्कि वो समानता की बात करते हैं। राजा ने आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर करने की भी वकालत की। आज अगर मुआवजा दिया जा रहा है तो जाति पूछ करके दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दलित को ज्यादा कष्ट होता है और गैर दलित को कम कष्ट होता है। ये हमारी मांग है और मांग ही नहीं, ये हमारा और आपका मौलिक अधिकार है जो संविधान ने हमको दिया है। हम समानता की बात करना चाहते हैं और मैं खुल के कहता हूँ कि ये कहा जाएगा कि साहब ये पार्टी दलित विरोधी है, बिल्कुल नहीं। दलित हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। समर्थकों की भीड़ से एक तरफ राजा भैया उत्साहित थे तो वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के संस्थापक शिवपाल सिंह यादव की एक चिट्ठी भी सियासी गलियारों में चर्चा में है। असल में शिवपाल सिंह के दूत बनकर अभिषेक सिंह आशु राजा की रैली में पहुंचे। शिवपाल ने अपनी कलम से राजा के लिए शुभकामनाएं लिख कर भेजी थी। सियासी गलियारों में चर्चाएं ऐसी भी हैं कि क्या जनसत्ता के एजेंडे को शिवपाल सिंह यादव का समर्थन हासिल है। मजदूर, किसान और जवान, इनके लिए ये पार्टी कृत संकल्प है। जनसत्ता का ये एजेंडा है कि सीमा पे शहीद होने वाले सेना के हर जवान को और अर्ध सैनिक बल के हर जवान को, उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए राहत राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी और इसमें कोई किसी की जाति नहीं देखी जाएगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। खैर, अब सियासत में राजनीतिक दल बनाकर एंट्री मारी है तो चर्चाएं तो होंगी ही, विरोधी वार भी करेंगे और अपनों के सहारे उनका मुकाबला भी करना होगा। निर्दलीय नेता के तौर पर अब तक राजा राजसुख का लाभ उठाते रहे हैं, लेकिन अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सहारे राजा भैया की नैया कहां तक सफर करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सर्दी के इस मौसम में राजा की धमाकेदार एंट्री ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। देखते जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।